हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय खबरें पूरी कर ली हैं अगस्त महीने की, और हम राष्ट्रीय खबरें लगातार करते जा रहे हैं। ये टोटल हमारे अगस्त महीने के लगभग 12 से 15 वीडियो होंगे, और उसमें तमाम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लगभग लगभग 99% पूरी संभावना है कि इन्हीं में से मिलेंगे। तो आप लगातार बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे हम एक बहुत बड़ी रणनीति लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिसमें तमाम परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ जीके के इम्पोर्टेंट सीरीज़ भी लेके आएंगे, जिसमें राजस्थान के जीके को हम बहुत ही रोचक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। अभी हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की यह सीरीज़ को। देखिए, मंकी पॉक्स आपने सुना ही होगा, लगातार कहीं ना कहीं खबरों में देखा जाता है मंकी पॉक्स, और ये लगभग लगभग हमें साउथ इंडिया में कई बार मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिलते हैं। और अभी आप हाल ही में देख ही रहे हैं कि लंपी जिस तरह से फैल रहा है, तो केंद्र एक सतर्क है कि कभी मंकी पॉक्स पे कोई एक्शन लेना पड़े तो उसके लिए कोई टास्क फोर्स गठित करनी होगी। तो भारत में जो मंकी पॉक्स के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं साउथ इंडिया में, और इसी के लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एक टास्क फोर्स गठित की है। और कब गठित की है वो? 31 जुलाई 2022 को, ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होगा? देखो, नीति आयोग के सदस्य होंगे डॉक्टर वीके पॉल, ये इसको हेड करेंगे, ठीक है। लीड कौन कर रहा है? डॉक्टर वीके पॉल। इस टास्क फोर्स को लीडर कौन होगा? वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, जो फार्मा सेक्टर्स हैं, और जो बायोटेक के सचिव भी शामिल करने की योजना बनाई है। काम क्या करेगा ये जो टास्क फोर्स, उसका कार्य होगा कि मंकी पॉक्स के जो भी मामले आ रहे हैं हमारे इंडिया में, उस पर निगरानी करेगा, नियंत्रण रखने की कोशिश करेगा, जांच की जो सुविधा है उसके विस्तार के लिए वैक्सीन तैयार करनी पड़ेगी, और ये सभी काम सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार होंगे, राइट। अभी पहला मामले की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि साउथ इंडिया से निकला है, केरला में, और 13 जुलाई 2022 को ये पहला मामला आया था, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपको पूछा जा सकता है मंकी पॉक्स के बारे में, किसका गठन कब किया गया इस टास्क फोर्स का? तो गठन किया गया 31 जुलाई 2022 को। इसके जो लीड कौन कर रहा है इस टास्क फोर्स को? तो वीके पॉल है, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। कुछ फार्मा कंपनी भी इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसके कार्य के रूप में हम बात करेंगे कि नियंत्रण करना है, निगरानी करना है, साथ ही वैक्सीन तैयार करने की बात की गई है। और पहला मामला केरला में 13 जुलाई 2022 को आया है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। जयदीप धनखड़ बन गए हैं हमारे उपराष्ट्रपति। आप सभी को पता होगा इनका कौन सा क्रम है, जो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ यह देखने को मिलती है कि ये जो राजस्थान का झुंझुनू जिला है हमारा, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जयदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति था वो राज्यसभा का सभापति अपने आप ही हो जाता है, ये संविधान के नियमों के अनुसार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जयदीप धनखड़ जी कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, 14वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। और इनको शपथ किसने दिलवाई थी? तो हमारी जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू ने करवाई थी, याद रखें। मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि जो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो कौन से क्रम के प्रेसिडेंट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ साहब ने मार्गरेट अलवा को हराया है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कितने मतों से हराया है? तो धनखड़ जी ने 528 मत प्राप्त किए और अलवा जी ने 182 मत प्राप्त किए, मतलब काफ़ी मतों से जीते हैं।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब जयदीप धनखड़ के बारे में ये जान लेना है कि ये झुंझुनू जिले के हैं, राजस्थान के कौन से गांव के, किठाणा गांव के। ये प्रश्न आ सकता है कि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट होता है। किठाणा गांव से हैं जयदीप धनखड़ जी, 14वें उपराष्ट्रपति हैं, 18 मई 1951 को क्या जन्म होता है, झुंझुनू जिले से हैं। पहली बार ये संसदीय क्षेत्र में आए थे 1989 में और संसद के लिए चुने गए थे, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, 4 दिसंबर 1993 से 29 नवंबर 1998 तक ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछ लेता है। राजस्थान के एग्ज़ाम में कई बार पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेशे से वकील रहे हैं, साथ ही धनखड़ साहब ने राजस्थान उच्च न्यायालय का बार एसोसिएशन के और जयपुर के अध्यक्ष रूप में भी चुने गए हैं। सबसे कम उम्र के व्यक्ति रहे हैं कई मामलों में। इन्हें आप पढ़ लें, क्योंकि ये मैं आपको बताने से ये नहीं होगा कि इनमें से प्रश्न आ ही जाएगा, लेकिन आपको एक बार मुख्य मुख्य जानकारी होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाली एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। याद रखें, इसमें आपको एक बात गौर करनी है कि जो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। याद रखें, दोनों में ये डिफरेंस है। अभी तक के उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी आपको लिस्ट दे रखी है, आप इसे याद जरूर करें। इसको अब मैं PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा ताकि आप ये देख लें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। और एक व्यक्ति है और हैं जो हामिद अंसारी साहब हैं, 2007 से लेकर 2017 लगभग 10 साल तक ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो दो ऐसे शख्स हैं जो 10 सालों तक उपराष्ट्रपति पे लगातार बने रहे हैं। अभी संविधान के अनुच्छेद 1963 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा ये। साथ ही उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और केवल राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। दो व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। ठीक है, इन्हें आप एक बार पढ़ लें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब खबरों में है प्रोजेक्ट चीटा, आप देख ही रहे होंगे। कुल्लू नेशनल पार्क में इन्हें लाया गया है। तो क्या है प्रोजेक्ट चीता, वो आप देख लेते हैं। देखो, प्रोजेक्ट चीता एक प्लान है, एक योजना है, जिसमें हमारे जो चीता है एशियाई चीता और कुछ और देशों से भी कुछ सेम जो उसी स्पीशीज के चीता होते हैं, उन्हें प्रजातियों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाकर बसाने के जो प्लान है उसे ही हमने कहा है प्रोजेक्ट चीता। नामीबिया से शेर आ भी चुके हैं। उल्लेखनीय है कि चीते की इस उप प्रजाति को भारत में विलुप्त हो गई थी 1952 में। एक टाइम था जब यहाँ पे एक भी चीता नहीं बचा था, और एशियाई चीता जो है वो तो ख़त्म ही हो गया था 1952 में। तो ये जो टाइम था, ये दौर था जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि भारत में चीते नहीं थे, और उसी के तहत ये प्लान लेके आया गया और अभी कुनो नेशनल पार्क में इन्हें विस्थापित किया गया है। देखो, एशियाई चीता है, उसको बायोलॉजिकल नाम क्या है? तो एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस, याद रखें, एसिनोनिस जुबेटिकस वेनाटिकस। ठीक है, सॉरी, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस, याद रखें आप। और अफ्रीका का भी चीता है जिसे हम याद रखते हैं, एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। दोनों ही आपको याद होने चाहिए, वैज्ञानिक नाम है इनके, बायोलॉजिकल नेम है, और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। एशियाई चीते का नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस,
और जो अफ्रीका का चीता है उसका नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। ठीक है, अब देख लेते हैं कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है। देखो कुनो नेशनल पार्क आपको मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है, कौन कौन से दो जिलों में है, तो एक है मुरैना और श्योपुर। मुरैना को मैं एम से इंडिकेट करता हूँ और श्योपुर को एस से इंडिकेट करता हूँ। इन दो जिलों में बसा हुआ है। इसको नेशनल पार्क का दर्जा, जो जुनो कुनो नेशनल पार्क है, याद रखे कुनो कुनो नेशनल पार्क का दर्जा, उसे नेशनल पार्क का दर्जा 2018 में दिया गया। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं एशियाई चीता के समर्थन में इंडियन ऑयल और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनके मध्य एक एमओयू हुआ है। और एमओयू में क्या हुआ है कि इंडियन ऑयल चीते को बसाने के लिए, उसके प्राकृतिक आवास के प्रबंधन संरक्षण और जैव विविधता को बसाने के लिए, स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए और पशु स्वास्थ्य सुविधा के लिए 4 सालों के दौरान 50.22 करोड़ का योगदान करेगा। तो ये इंडियन ऑयल ने स्टैंड लिया है। साथ ही बात करें इंडियन ऑयल के ये प्रयास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ समझौते के रूप में हुआ है। तो यही न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। और प्रोजेक्ट टाइगर है वो आप देख ही रहे हैं कि अभी कुनो नेशनल पार्क में इसमें चीता, प्रोजेक्ट चीता, सॉरी प्रोजेक्ट चीता आ गया है। और इंडियन ऑयल के द्वारा ये लगभग 50 करोड़ का यहाँ पे इनके संरक्षण के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। तो इंडियन ऑयल ने पहले भी जो एक सींग वाला गेंडा है उसके लिए काम किया था, और इंडियन ऑयल ने भारत के एक सींग गेंडा को पिछले वर्ष अपने शुभंकर के रूप में भी अपनाया था। तो लगातार ये CSR का काम कर रहा है, आप ये समझे CSR। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021। देखो वन्य जीव संरक्षण विधेयक आप देख ही रहे, पहले ये जो एक्ट था 1972 का, अब इस एक्ट का स्थान ये बिल ले लेगा और ये बिल एक्ट होने में समय नहीं लेगा। तो देश में जो लोअर हाउस है उसने वन्य जीवों और वनस्पति के लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध के लिए और उस पर संबंधित कुछ प्रावधानों के लिए वन्य जीव संरक्षण विधेयक लेकर आया है। अगस्त में ये दिया गया है लोकसभा में। क्या बात है इस विधेयक में ये देख लेते हैं। देखो विधेयक में वन्य जीवों, वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कंजर्वेशन, जैसे कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा सिट्स के रूप में क्रियान्वयन प्रावधान किया गया है। राइट, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट प्रावधान ये भी किया गया कि जो नेशनल पार्क्स होंगे हम घोषित करते हैं इंडियन गवर्नमेंट कोई भी, तो ऐसी स्थिति में जो आदिवासी होंगे उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको समय दिया जाएगा, वहाँ पे उनको प्रॉपरली उनको विस्थापन का व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद उन्हें विस्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ उनके पानी के जो अधिकार है उसको भी संरक्षित रखा जाएगा। अब इस विधेयक में क्या बात कही गई है दंड की, दंड यह है कि जो उल्लंघन के प्रकार है एक सामान्य उल्लंघन होगा और एक विशेष उल्लंघन होगा। ठीक है, तो विशेष जानवरों के लिए विशेष उल्लंघन होगा। अब 1972 का एक्ट क्या कहता था कि सामान्य उल्लंघन पर 25,000 रुपये और विशेष उल्लंघन पर 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाएगा, नया जो एक्ट कहता है कि जो सामान्य उल्लंघन पर 1 लाख तक का जुर्माना रहेगा और विशेष रूप से जो संरक्षित जानवर है उस पर 25,000 तक का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। देखो लंगट सिंह कॉलेज अभी चर्चाओं में है, एस्ट्रोनॉमी लैब यूनेस्को विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कहाँ पे है लंगट सिंह कॉलेज आप ये देख लें सबसे पहले, तो ये बिहार में है और इसे अब भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तारामंडल स्थापित पहले से ही है, सौर ऊर्जा सौर वेधशाला के रूप में जाना जा रहा है। देखो यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मुजफ्फरपुर बिहार के लंगट सिंह कॉलेज स्थित 106 वर्ष पुरानी खगोल वेधशाला को धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो ये जो वेधशाला है वो 106 साल पुरानी, याद रखें आप, और पूरी भारत में अपने तरह की पहली इस वेधशाला की स्थापना इस कॉलेज परिसर के छात्र को खगोलीय ज्ञान की जानकारी के लिए की गई थी। तो ये आप देख रहे हैं कि 1916 में स्थापित 106 साल पुरानी है, उसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है लंगट सिंह कॉलेज को, याद रखें।
और इस कॉलेज की लैब का नाम है एस्ट्रोनॉमी लैब यूनेस्को, राइट। देखो दोस्तों, करंट अफेयर्स में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड है। हमारे राजस्थान और तमाम यूपी हो या एमपी हो, इसमें एक परंपरा देखी जाती है करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स में यूनेस्को या फिर किसी राजस्थान की योजना या फिर कुछ ऐसा महत्व का विषय जो साइंटिफिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो और आगे भी इसकी संभावना पूरी है रिसर्च की, उससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लंगट सिंह कॉलेज का जो ये सौर वेधशाला है, इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में एक फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया गया है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, याद रखें, बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का तैरता हुआ सोलर पार्क बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है ये? ओंकारेश्वर बांध पर, ठीक है जी। तो एनर्जी पैदा करने के लिए बनाया गया है और बिजली का जो संकट है उसका समाधान करने के उद्देश्य एमपी के खंडवा के फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना दिया गया है। 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कितनी मेगावाट बिजली पैदा करेगा? 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। कहाँ पे है? ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाला विश्व का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना के रूप में से देखा जा रहा है। और यहाँ पे बात करें, इसमें एनएचडीसी लिमिटेड एएमपी एनर्जी अथवा एसजेवीएन लिमिटेड के बीच एक एमओयू हुआ है। इन्हें याद रखें आप, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ये जो कंपनियां हैं उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए कि एनएचडीसी लिमिटेड, एएमपी एनर्जी, एसजेवीएन लिमिटेड के बीच एक एमओयू हुआ है। और ये एमओयू कब हुआ है? अगस्त में, राइट। अब ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना होगा। और इस फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण जो अनुमानित व्यय है वो 3000 करोड़ रुपये माना जा रहा है। ये फ्लोटिंग सोलर पार्क जो प्लांट है उस पर 2000 हेक्टेयर में विस्तृत होगा और इसमें एमओयू में से हम बात करें, पहले चरण में 278 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में से देखा जा रहा है, ये भी आप याद रखें। 2027 तक 20,000 मेगावाट होगी। तो मध्य प्रदेश की जो नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी एक आपको डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री में भी आप ले सकते हैं, मेन से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2027 तक 20,000 मेगावाट होने की पूरी संभावना देखने को मिलती है, जो कि नई रिन्यूएबल एनर्जी नीति 2 अगस्त 2022 को स्वीकृति दी गई है। तो एमपी ने, सरकार ने नई रिन्यूएबल एनर्जी नीति 2 अगस्त 2022 को स्वीकृति दी है। इनका जो 27 तक का टारगेट है 20,000 मेगावाट का, और इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में 12,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सकेगा। तो बड़े पैमाने पर हम इसे देख रहे हैं और पेड़ लगा के इसे रोकना होगा। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और देख लेते हैं। सारी इम्पोर्टेंट खबरें मैंने आपको बता दी इसमें, मतलब खंडवा क्षेत्र में ही हम बात करें तो 4,000 मेगावाट की बिजली आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब ड्रोन विकास हेतु सेना और डीएफआई में समझौता हुआ है, ये भी आप याद रखें। यही लाइन आपको याद रखनी है, सेना और डीएफआई में समझौता हुआ है। अब ये देखो, डीएफआई क्या है? आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ADB भारतीय सेना की नोडल एजेंसी है। तो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो क्या है? भारतीय सेना की नोडल एजेंसी है जो उद्योग अकादमिक, DRDO और DPSU के साथ अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए सुविधा प्रदान करता है। डॉन फेडरेशन ऑफ इंडिया नीति में बदलाव लाकर व्यापार के अवसर सृजित करके एक मजबूत कौशल अवसंरचना विकसित करके और प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा और मानकों को विकसित करके उद्योग अकादमिक की बात करें तो सहयोग के साथ ये अनुसंधान विकास के प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये भी ये आपको याद रख लेना है, इसमें मुझे नहीं लगता प्रश्न पूछने की संभावना। लेकिन हाँ, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है वो भारतीय सेना की एक नोडल एजेंसी है। ये एक इम्पोर्टेंट हमें प्रश्न देखने को मिलता है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, मुकदमों की सुनवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत कर दी है, ठीक है जी। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 26 अगस्त 2022 को अदालत की सिफारिश के 3 वर्ष को अधिक समय बाद पहली बार अपनी कार्रवाई को किसमें किया? लाइव स्ट्रीमिंग में शुरू कर दिया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय NV रमन्ना के कार्यकाल के अंतिम
दिन यह व्यवस्था की गई थी। और परंपरा अनुसार रमन्ना ने क्या किया, न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ पीठ साझा की। देखो यूयू ललित हैं वो अब सीनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, पहले रमन्ना साहब थे, अभी यूयू ललित के स्थान में आप याद रखेंगे। और यही आपको याद रखना है, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट खबर नहीं लिख दी मुझे। तो इस तरह से हमने सारी खबरें जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं नेशनल न्यूज़ में हमने कवर कर ली। एक वीडियो और कल लेके आऊँगा जिसमें नेशनल न्यूज़ होगी और वो ख़त्म हो जाएगा नेशनल न्यूज़ पूरा। उसके बाद हम अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और इस तरह की जो राष्ट्रीय खेल हैं और तमाम परीक्षा के लिहाज से कुछ व्यक्ति हैं विशेष हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लगातार बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।